अस्सलाम वालेकुम। तो यार हम ना बहावलपुर पहुंच गए। सुबह 5 बजे जैसे हम पहुंचे थे, उसके बाद हम आके गेस्ट हाउस में आके ज़रा थोड़ा सा रेस्ट किया, नहा धो के अब तैयार होके हम निकलेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि क्या सीन्स हैं आज के। तो अब हम लोग जो हैं वो पहुंचे हैं। हाँ, वैसे बोलने में ना मज़ा नहीं आता। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं नूर महल। तो ऐसे जैसे ओहो, देखने में हैवी लग रहा है। और अभी इसको अंदर से भी एक्सप्लोर करते हैं कैसा। कपड़ों की सिलेक्शन जो है ना वो सही नहीं हुई। हमें जो है ना चाहिए था ये तरह कुर्ता शलवार और इस टाइप का कोई पहन के आना चाहिए था, लेकिन खैर वो तो बात की बातें हैं। अभी हम जो है ना इसे अंदर से एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। स्पेशल हमारा आने का जो मेन अट्रैक्शन है ना वो बहावलपुर आने का, किसी से भी कहो ना तो वो कहते हैं जी आप नूर महल ज़रूर जाइएगा। तो चल के चेक करते हैं कि अंदर क्या सीन्स है। पाँच सौ किलोग्राम सोना, 6 माह की तमाम सरकारी मुलाजमीन की मैंने सुना था 1 ईयर की 2 साल का बजट। अच्छा ठीक। और 22,000 टन गंदम। ये पहले बजट में आखिरी नवाब साहब ने वो जिनकी इस कोने में पिक्चर लगी हुई है इन्होंने दिया। तो ये मतलब कहाँ मूव कर गए थे, मतलब क्या? ये जब इन्होंने यहाँ से ख़त्म किया तो इनके बरतानिया के साथ इनकी रिश्तेदारी तो थी, क्योंकि हाँ। इन्होंने वहाँ शादी की ठीक तो है। ये फिर वहाँ आना जाना इन्होंने। कितनी बेगमा थी नवाब साहब की? ये आखिरी वाले की 3 थी। अच्छा, शरीयत यानी कि वो ज़्यादा जो बीवियों होने की वजह से इनकी फैमिली में अभी क्लैश है, उसी क्लैश की वजह से ये प्रॉपर्टी जो है कुछ वो शादीगढ़ पैलेस जो अंदर से सारा वो अभी इनके पास है, तोड़फोड़ हुई वो इन्हीं के पास है, इसी वजह से उसका वो 6 टन वजनी फरूस जो था सोने का वो अब वहाँ पे नहीं है, वो चेन सी लगी है थोड़ी सर जी, वो इनके अपने पास है तो उसकी हालत आपने देख ही ली है। बिल्कुल ठीक है। बाकी ये 5 महल जो हैं ये आर्मी ने इनसे खरीदे हुए हैं 1997 में। सही। उनमें से एक ये अभी फिलहाल पब्लिक के लिए दरबार और गुलजार, दरबार गुलजार जो है वो वहाँ पे फिलहाल ऑफिस है। हाँ। जब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी बिल्डिंग ऑफिस की नई बन जाए तो वो भी पब्लिक के लिए ओपन कर। देखो ज़रा कभी जो है वो इस बेडरूम में एवी शैमी किसी को आने की इजाज़त भी नहीं होगी, और अब जो है वो लोग ऐसे फिर रहे हैं यहाँ पे। इस वक्त हम नवाब साहब के बेडरूम में मौजूद हैं। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन दिस वॉज द बेडरूम। ऊपर जाता नहीं, ऊपर ना जाली है। हाँ, मैं देखा। हाँ, जाली है तो
अच्छा सो दिस वॉज नूर महल. अब जो है वो हम कल जो है वो यहाँ पे एक और महल है जिस पे एंट्री थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है, तो कोशिश करेंगे कि हमें एक्सेस मिल जाए, तो कल हम वहाँ जाएंगे.